हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए आलू मटर की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मटर लिए हैं और देखिए 8 से 10 मैंने आलू लिए थे, जिसको पतला पतला सा काट लिया है और अच्छे से पानी से धुल लिया है। 2 टमाटर और ये देखिए 2 गठिया मैंने प्याज की काट ली हैं और ये 1 टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 कलियां लहसुन की काट कर रखी हैं और ये कुछ हरी मिर्च ली हैं, इनको भी मैंने अच्छे से काट लिया है। और देखिए कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ तेल, तेल अच्छे से गर्म हो जाए हमारा, जब ही हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम जो लहसुन और अदरक काट करके रखा था ना फ्रेंड्स, उसको डाल देंगे और ये भी अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हम अपनी प्याज को भी डालेंगे और इसका थोड़ा प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का कलर हो जाए जब भी हम अपनी मिर्ची को डालेंगे, क्योंकि मिर्ची जल्दी से पक जाती है, जल्दी से भुन जाती है, इसलिए हम थोड़ा प्याज भुनने के बाद ही डालेंगे। अब डाल देंगे हम टमाटर को भी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और भुनने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची और 1 से 1.5 चम्मच मैं डाल दूंगी धनिया और साथ ही डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। और इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से भून लेंगे हम। ये मसाले हमारे अच्छे से तेल छोड़ जाए जब तक कि हम इसे भूनेंगे। और अब हम इसमें देखिए मसाला अच्छे से तेल छोड़ गया है और अब हम इसमें डाल देंगे जो आलू हमने काट करके रखे थे उनको। मैंने पहले से ही अच्छे से आलूओं को धुल लिया था तो हम सीधा इसमें सारे आलूओं को डाल देंगे और अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे। सभी आलूओं पर मसाले अच्छे से चिपकने चाहिए, थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे इसी मसालों में। दो से तीन मिनट इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और इसमें मैं 3 से 4 ग्लास में पानी डालूंगी। ये हमारे आलू अच्छे से डूबने चाहिए, इतना हम पानी डालेंगे। और कड़छी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी इसमें थोड़ा कम है, ये उबाल आएगा इसमें, वैसे ही ये थिक हो जाएगी। हमें थिक नहीं रखनी है अपनी ग्रेवी, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। और देखिए मैंने 4 ग्लास इसमें पानी डाला है और जब तक हम अपनी मटर को भी उबाल ले रहे हैं 1 ग्लास पानी डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे उबाल दे देंगे इसमें, ताकि ये कच्ची मटर रहती है ये उबल जाए अच्छे से, टाइट ना रहे। और देखिए जब तक हमारी सब्जी में उबाल आता है तब तक कि हम इसको अच्छे से ढक कर के रख दे रहे हैं। और देखिए मटर भी अच्छे से उबल गई है हमारी, बस इसी जगह हम इसको बंद कर देंगे, 2 से 3 मिनट ही उबाल देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये उबल चुकी है अच्छे से, इसका पानी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ग्रेवी आपको थोड़ी और पतली चाहिए तो पानी सही थी आप डाल दीजिएगा, नहीं तो इसके पानी आप निकाल भी सकते हैं, निकाल दीजिए वो बढ़िया है। तो देखेंगे हम 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारी सब्जी है
एक बार हम चेक कर लेंगे आलू हमारे उबल जाएं, उसके बाद हम इस मटर को डालेंगे, क्योंकि हम पहले से ही मटर को उबाल चुके हैं इसलिए जल्दी नहीं डालेंगे जब तक कि हमारे आलू नहीं उबलते हैं। तो एक बार हम चेक करके फिर बताते हैं ये आलू उबल गए हैं। उसके बाद मैं अपनी मटर को भी डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि मटर का स्वाद अच्छे से सब्जी में आए। तो मैंने ढक करके रख दिया था फ्रेंड्स। अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो सब्जी हमारी देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी थिक भी हो गई है। और ये चमचे की सहायता से हम कुछ आलूओं को अच्छे से मसल देंगे ताकि ग्रेवी जो हमारी बनी है थोड़ी थिक सी हो जाए। और बस हरे धनिया काट करके धनिया की गार्निशिंग कर देंगे। तो ये सब्जी हमारी खाने के लिए एकदम तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और ऐसी आसान वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को फ्रेंड्स। मेरे कहने पर आप प्लीज़ एक बार इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बनाकर, और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी आसान वीडियोस के लिए मेरे भी चैनल पर बने रहिएगा। और देखिए हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है खाने के लिए। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। बाय बाय।